गाइस हम लोग जंगल के एरिया से आ रहे थे और यहाँ पे ना एलिफेंट भाग गया। प्लीज कांच बंद करो, कांच मेरा खुला हो रहा है। हाथी इधर से नहीं आया, कार के अंदर सब। प्लीज प्लीज कार मत चालू करना। ओ गॉड मुझे डर लग गया। प्लीज चाइल्ड लॉक कर दो। अरे शांति से बैठ जाओ। बट मुझे डर लग गया। वो देखो देखो खड़ा है, खड़ा है। मुझे नहीं दिख रही है, डीएसएलआर से करो ना। देखो खड़ा है, खड़ा है। डीएसएलआर डीएसएलआर दो ना, डीएसएलआर भैया। लो लो आना अमित। मुझे डर लग रहा है। अरे यार बीच रोड में खड़ा है तुम तो। अमिताभ मत जाओ ना, ये बहुत बुरे हैं, देख रहे हो आप। हाथी है? मुझे डर लग रहा है। अमित पीछे बैठो, बैठो बैठो बैठो। हाथी है। आपने रिकॉर्ड कर लिया हाथी? नहीं, कहां जैसे करने गया वैसे ही आ गया बेटा, आर्मी आ गया। और एकदम बीच में ही हाथी खड़ा हुआ है। बोल रहा मेरे गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रहा। कौन ये पीछे वो देख, धक्का मार के ले जा रहा है। चलो धक्का मार के हटाओ उसको, एकदम पीछे पीछे देख खड़ा है वहां पर। यहां से दिख रहा नहीं? अरे लाइट कर देगा, लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा ना, डीएसएलआर में आएगा। बड़ा हाथी है तो देखना पड़ेगा। बड़ा हाथी, बहुत बड़ा हाथी है। चले चले भाई चले। सो गाइज हम लोग हमेशा YouTube वीडियोस में देखते थे कि जंगल वाले रास्ते में कभी लियोपोर्ड क्रॉस कर रहा है या कभी बहुत बड़ा एलिफेंट है या पिकॉक है, बहुत सारे एनिमल्स, क्योंकि ये जंगल वे है ना तो कुछ ना कुछ क्रॉस होते रहता है। तो अभी बहुत बड़ा एलिफेंट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, सबसे ह्यूज वाला, और वो बीच रास्ते में खड़ा है। और अभी जितने भी पैसेंजर्स हैं सब गाड़ी से उतर के फोटोज वगैरह ले रहे हैं। तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ अमित भी खड़े हैं और वो डीएसएलआर से एलिफेंट ले रहे हैं, और यहाँ पे नवराज भैया है और भी बहुत सारे पासर्स बाई है, देर ऑल्सो टेकिंग द पिक्चर्स। और ये आर्मी का वैन है, तो यहाँ पे आर्मी थे, तो वो आर्मी ना हम लोग को बोले थोड़ा सा पीछे होने के लिए। सो इट्स क्वाइट डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस है और मुझे बहुत डर भी लग रहा है देख कर। बट गाइज फिलहाल तो आप डीएसएलआर का व्यू देखिए जो अमित ने क्लिक किया है। बीच जंगल में हाथी क्रॉसिंग जोन था, वहाँ पर से हाथी क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर एक हाथी खड़ा हुआ है। तो इसलिए क्या है, सारे लोग भी यहाँ पर मतलब वेट कर रहे हैं। इस तरफ आर्मी का एक डिफेंस का एक ट्रक है जो खड़ा हुआ है, एंड उधर पर भी सारी ट्रैफिक रुकी हुई है, एंड सेम यहाँ पर भी सारे ट्रैफिक जो है रुकी हुई है। मेरी कार है और निकिता एकदम ही परेशान हो रही है, तो ठीक है आप दूर में रहिए, हाथी को अगर नहीं छेड़ेंगे तो वो कुछ नहीं करेगा। बट काफ़ी सारा लाइट्स देख करके आई गेस कि हाथी जो है ना थोड़ा सा वेट कर रहा है, वो रुक गया है। काफ़ी बड़ा हाथी है, एकदम बीच में खड़ा है पोज दे करके। अरे ना वो नर्वस हो गया, कहाँ क्या कर रहा है। हाँ वही, इतने सारे लाइट्स देख करके ना आई गेस कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अरे ये हाथी अभी आपको क्लियरली दिखेगा लाइट्स की वजह से, जो है ना पूरा उसका शेप नजर आ रहा है। इस तरफ राइट की तरफ। सो गाइस अभी एलिफेंट यहाँ से जा चुका है और सामने बहुत सारा व्हीकल है, तो उसका रोशनी आपको दिखाई दे रहा है। और जस्ट जंगल में घुसा है, तो यहाँ से जल्दी से निकलो ना, अचानक से आ गया तो सामने। ये लोग तो फुल भाग रहे हैं, ये लोग ऐसे चला गया तो हो गया। ए ए डेढ़ जाना मत बनो, इसको क्या हो गया, फिर से कुछ है क्या? सादा कलर का गाड़ी बीच में वो कर दिया।
लड़की ऐसे चिल्ला रही है, मेरी गाड़ी को दे, मेरी गाड़ी को दे, गाड़ी को दे। सो गाइस अमित को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, मजा आ रहा नहीं है ज्यादा ही जल्दी, इतना डर है तो नीचे मत उतरो, और नीचे उतरो तो फिर मतलब थोड़ा शांति से अपना दिमाग को ठंडा रखो, जब आपका दिमाग ठंडा नहीं है तो फिर आप मत उतरो नीचे, नीचे उतर करके आप ऐसी बातें करो, ऐसे लड़की ऐसे जस्ट शट अप, बहुत ही गंदे हैं ये। गंदे की बात नहीं है यार, मतलब इसमें गंदा का क्या है, अगर मुझे भी डर लगेगा मैं नहीं उतरूंगा। अभी देखो मेरे को डर लगा तो मैं रोऊंगा थोड़ी ना, मैं पहले सीट बेल्ट लगाऊंगा क्योंकि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था तो मुझे डर लग रहा था। सो गाइस वहां देखिए, वहां पे है वेलकम टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यस ये ज़ूम नहीं हो पाया, आई एम सॉरी गाइस, मोला तो संतोष ले फोन कर, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा ज़ूम हो पाया मोला तो, बट लेट इट बी। सो फाइनली कहने का मतलब ये है कि हम एलिफेंट को भी चकना देकर आ गए। एलिफेंट को क्या चखना, चकमा चकमा नहीं, चकना देने के बाद तो फिर वो पिएगा बढ़िया से, अभी चकना भी नहीं, चकमा चकमा। अरे चकमा देकर के आ गए, गुड गुड। You out of my mind, it's like I feel it for the first time, been thinking about you all night, I've been searching for this all my life, you're just my type, I've been looking for a boy who can treat me right, your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life, can I take you there, like it was the first time, do you remember, can I take you there, to when we felt like this was forever, can I take you there? Guys, so we are done with today और हम लोग घर आ चुके हैं, so कैसा लगा आपको? थोड़ा सा tiredness and ठीक है, but मजा काफी आया, मतलब all together जो था it was a lovely day। कियान के साथ में बहुत ही मजा आया, छोटा छोटा बाबू बहुत ही अच्छा लगा, एंड ऑफ कोर्स मतलब उसके साथ साथ पूरा जो एनवायरनमेंट था विलेज का, पूरा मतलब एकदम फील हो रहा था अपना खुद का घर है, तो मजा आया काफी, बहुत ही ज्यादा मजा आया। और सबसे ज्यादा अच्छा मुझे ये भी लगा कि जो रास्ते में मुझे एलिफेंट और स्नेक वगैरह दिखे, स्नेक दिखा अच्छा लगा आपको? दिखा स्नेक, मैं स्नेक नहीं देख पाई बट मैंने एलिफेंट देखा और अच्छा नहीं लगा, बहुत डरावना था, बट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो उस हिसाब से वो भी एक मैं चाहती हूँ कि लास्ट एक्सपीरियंस ही रहे, इसके बाद कभी ऐसा ना दिखे मुझे, बिल्कुल उतना नहीं, बिल्कुल। एलिफेंट जब क्रॉसिंग जोन पे आप जाते हैं ना तो वहाँ पर एलिफेंट दिखते हैं तो काफी मजा आता है, तो मतलब मुझे तो अच्छा लगा, मुझे काफी अच्छा लगा बिकॉज दिस इज माई सेकेंड टाइम जब मैंने एलिफेंट क्रॉसिंग जोन पे एलिफेंट को देखा, तो काफी अच्छा लगा। एंड उसके साथ साथ काफी सारा जो व्यू था हम लोगों ने वहां पर से जो व्यू सारा मतलब एंजॉय किया वो भी बहुत अच्छा था, तो काफी शानदार था, मजा आया। सो गाइज अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो, और लाइक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो हमारे वीडियोस को यूट्यूब और आगे नहीं बढ़ाएगा, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इसे अनलाइक भी कर सकते हो, बट कुछ भी करो। चलिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ, बाय बाय बाय।